रातुल ने कहा कि तुम अभी भी बिस्तर में पड़े हो। वक्त कितना हुआ मालूम है? मैं ऑफिस जा रहा हूं। नीपा ने कहा, कैसे उठें? कमर से लेकर पैर तक इतना दर्द है कि मैं बिस्तर से उठ ही नहीं पा रही हूं। तो रातुल ने कहा कि ठीक है, मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूं, वो आकर तुम्हें देखकर दवाई देकर जाएंगे। नीपा से ये कहकर मैं ऑफिस की ओर निकल गया। कल माँ आने वाली है। इसी बीच नीपा बीमार हो गई। अब माँ का ख्याल कौन रखेगा? हर बार माँ के आते ही नीता की तबीयत खराब हो जाती है। पहले क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन पिछली बार जब माँ आई थी तब भी नीपा बीमार थी। ये सब सोचते हुए मैं ऑफिस पहुंचा। इसी बीच में अपने दोस्त आकाश को फोन करके मैंने कहा कि वो नीपा को एक बार देख कर आए। दोपहर को मैं एक फाइल चेक कर रहा था। इसी बीच में पियोन आकर मुझे एक प्रेस्क्रिप्शन थमा कर गया। ये नीपा का प्रेस्क्रिप्शन था, आकाश जाते वक्त ऑफिस में दे कर गया है। मैं और कुछ काम निपटाकर दवाई लेकर घर पहुंचा। दरवाजा नॉक करते ही माँ आकर दरवाजा खोली। बहुत दिनों के बाद माँ को देखकर मैं काफी खुश हो गया। दोनों मिलकर कुछ देर बातें की। बाद में माँ ने कहा कि तू ऑफिस से आया है, अभी जा फ्रेश होकर आ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। ये कहकर माँ किचन में चली गई। मैं घर आकर देखा कि नीपा आराम से सोई हुई थी। मैंने उससे कहा, ये लो तुम्हारी दवाई, ये खाकर जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। नीपा मुंह फुलाकर कहा कि ठीक तो मैं भी होना चाहती हूँ, हर वक्त ऐसे बिस्तर में पड़े रहना किसको अच्छा लगता है। माँ इसी बीच में चाय लेकर आई, नीपा के लिए भी लाई थी। माँ चाय रख कर चली गई। मैंने कहा कि लड़के के घर में आकर माँ को इतना काम करना पड़ रहा है। नीपा ने कहा कि काम तो बस काम ही है, ये मैं करूं या तुम्हारी माँ, बात तो एक ही है। मैंने कहा, नहीं, एक कैसे होगा, माँ आई है उनके बेटे के घर में, वो रानी की तरह रहेगी। दो दिनों की बाद माँ चली गई। इस दो दिन में घर का सारा काम माँ ने ही किया। रसोई से लेकर सारा काम माँ ने अकेले हाथ में संभाला, और जाने से पहले 5-6 दिनों का खाना भी बना कर गई। वैसे माँ के हाथ के बनाया हुआ खाना मुझे बेहद पसंद है, लेकिन हर बार मेरे घर आकर माँ को काम करना पड़ता है, ये देखकर मुझे बेहद खराब लगता है। सुबह को ऑफिस जाते वक्त मैंने नीपा से कहा कि आज कैसा महसूस हो रहा है, तो नीपा ने फोन देखते हुए कहा कि आज थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ, शायद आज मैं चल पाऊंगी। मैंने कहा, चलो देखते हैं क्या होता है। ये कहकर मैं वहां से निकल आया कि पहरेदार ने आकर मुझसे कहा, सर आज आपके घर के खिड़की के सामने ये दवाई का पैकेट मुझे मिला, शायद कोई भूल कर फेंक के गया होगा। तो मैंने पहरेदार चाचा को धन्यवाद देते हुए पैकेट खोलकर देखा, ये नीपा की दवाई थी जो मैं लाया था। इसमें एक भी दवाई भी नीपा ने नहीं खाया था। मैं जब शाम को घर वापस आया तो देखा कि नीपा बिल्कुल स्वस्थ थी। मैं सोफे में बैठ गया और कहा, वाह, दवाई ने क्या खूब काम किया है, ठीक तरह से दवाई खा रही हो ना? सुनकर नीपा ने कहा कि हाँ खा रही हूँ। ये कहकर नीपा रसोई की ओर चली गई। मुझे पता था कि नीपा झूठ बोल रही थी, फिर भी मैं बिस्तर के आसपास ठीक तरह से देखा कि वहां कोई दवाई का पैकेट है या नहीं, लेकिन नहीं, वहां कुछ नहीं था। अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया था कि नीपा ये सब क्यों कर रही है। माँ के आने के समय वो बीमार हो गई थी और माँ के जाते ही बिल्कुल स्वस्थ हो गई। फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मेरे माँ से काम करवाने के लिए ही वो ऐसी बीमारी का नाटक कर रही थी। मैं सब जानते हुए भी नीपा से कुछ नहीं कहा, सिर्फ मैंने एक प्लान बनाया। इसके बाद 2-3 महीना बीत गया। एक दिन मैंने नीपा से कहा कि अगले सोमवार को माँ आने वाली है। मैंने कहा कि घर में सारी सब्जियां है या नहीं, थोड़ा चेक कर लो। तो नीपा ने कहा, अच्छा। लेकिन रविवार रात से ही नीपा की कमर दर्द फिर से शुरू हो गया। सुबह को ऑफिस जाने के बाद मैंने देखा
कि नीपा बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। मैंने नीपा से कहा कि रहने दो, तुम तो बीमार हो, बिस्तर में लेटी रहो, माँ तो आ ही रही है, वो सारा काम कर देंगे। ये कहकर मैं ऑफिस की ओर चल पड़ा। मेरी बातें सुनकर लगा कि नीपा बहुत खुश हो गई। असल में इस बार मेरी माँ नहीं, आने वाली थी मेरी सासू माँ, यानी नीपा की माँ। नीपा का ये नाटक पकड़ने के लिए ही मैंने ऐसा प्लान बनाया था। मैंने सासू माँ से कहा था कि वो नीपा को यहाँ उनके आने की खबर ना दे। मेरी सासू माँ बहुत ही अच्छी इंसान है, अपनी बेटी की ये सब बातें अगर वो जानेंगे तो वो कभी भी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। आज मैं ऑफिस से थोड़ा जल्द ही लौट आया। शाम को घर आकर देखा कि मेरी सासू माँ आ चुकी थी। मैंने सासू माँ को प्रणाम किया और उनके साथ बातें करने लगा। इसी बीच नीपा आ गई, वो बिल्कुल ही स्वस्थ थी। मैंने कहा कि क्या हुआ, तुम तो बीमार थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, अपनी माँ को देखकर इतनी जल्दी ठीक हो गई? तो नीपा ने कहा कि हाँ, दिन बढ़ते ही मैंने देखा कि मेरा दर्द बहुत कम हो गया है। तो मैंने कहा कि खैर छोड़ो, तुम्हारी माँ है इसलिए तुम इतना जल्दी ठीक हो गई, अगर मेरी माँ होती तो उसके जाने तक तुम बीमार ही रहती। ये बातें सुनकर नीपा का चेहरे का रंग उड़ गया और सासू माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ बेटा, मुझे जरा बताओ तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो। मैंने सासू माँ को एक मिनट इंतजार करने को कहा और घर से पुराना प्रेस्क्रिप्शन और दवाइयां लाकर कहा, ये देखिए माँ, मेरी माँ कुछ महीने के अंतराल 2 दिन के लिए यहाँ आते ही नीपा बीमार हो जाती है। वो भी अगर सच बात होती तो ठीक था, लेकिन वो तो ऐसी बीमार होती है जिसमें दवाई भी खाना नहीं पड़ता, ये सब दवाइयां बाहर फेंक देती है। और उसके बाद मैंने ये दवाइयां माँ को दिखाया और मैंने ये भी कहा कि आज भी उसने सोचा था कि मेरी माँ आएंगी और इसलिए आज भी वो बीमार होने का नाटक कर रही थी। सब सुनकर मेरी सासू माँ बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने नीपा से कहा कि तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया था? अपनी सास की सेवा ना करने के लिए तूने ऐसा घिनौना नाटक किया? माँ के सामने पकड़े जाते ही नीपा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी माँ की हाथ पकड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। तो सासू माँ ने कहा कि मेरे पास नहीं, अगर माफी मांगना ही है तो जाकर अपनी सासू माँ से मांग, वो अगर तुझे माफ नहीं करेंगी तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। नीपा मुझसे भी माफी मांगी, मैं और क्या करता, माफ कर दिया। उसके बाद यह तय हुआ कि वो अगले हफ्ते गांव जाकर मेरी माँ को लेकर आएगी और उसके बाद मेरी माँ की सेवा करेगी।